चाहते हैं कि वो आए और जो साल भर में हम पर विघ्न आते हैं उनको हर कर ले जाएं। तो इस वजह से हम ये रखते हैं और ये हम 8-9 सालों से रखते आ रहे हैं। ये हम मानते हैं, इनको श्रद्धा है हमारी, इसलिए इनको रखे आ रहे हैं, इसलिए आज भी लेकर जा रहे हैं। 10 दिन रखेंगे, पूरे 10 दिन। या तो हरिद्वार जाएंगे या जनसुई है। हम हर साल अपने घर में गणेश जी को आसन देते हैं, बुलाते हैं। जैसे कि आज सभी लोगों को पता होगा कि आज गणेश चतुर्थी है और आज से ठीक 10 दिन तक हम लोग अपने घर में गणेश जी का स्वरूप जैसे पीछे लेके बैठे हुए हैं, इनको लेके हम अपने घर जा रहे हैं और बिठाएंगे और 10 दिन तक इनके लगातार हम कंटिन्यू सेवा करेंगे। कई लोग ऐसे हैं जो ऐसे हमारा महाराष्ट्रन कल्चर होता है जिसमें आज के दिन गणेश चतुर्थी के दिन इनको बिठाया जाता है और 5 दिन जो है बंगाली लोग जो होते हैं वो उनकी सेवा करते हैं। बट हमारे हिंदू कल्चर के अंदर जो है बेसिकली है हम लोग 10 दिन तक इनकी दिन रात लगातार सेवा करते हैं। बट चौथा गणेश महोत्सव है, युवा संगठन क्लब से हैं, चैन मंडी में जा रहे हैं और बड़े हर्षोल्लास से रखते हैं और 12 तारीख को हरिद्वार विसर्जित करेंगे। सभी मेंबर का सभी मोहल्ले वाले हरिद्वार लेके जाएंगे, सभी मोहल्ले वाले सभी परिवार वाले दो त्रिवार रखेंगे, 12 तारीख को हरिद्वार जाएंगे, पूरे ढंग से विसर्जित करेंगे, पूरा परिवार होगा। दो बसें जाती हैं, रोज सुबह आरती होती है, शाम को आरती होती है। गणेश जी का बहुत हो रही है, गणपति बाबा सबकी मनोकामना पूरी कर रहे हैं, जितनी उतने बढ़ते जा रही है। तो ये लेके जाते हैं 12 दिन अपने घर पे, उनको मतलब अपने मेहमान की तरह अपने घर पे उनको रखते हैं। जैसे मेहमान आते हैं वैसे इनको रखते हैं, ये मेहमान की तरह इनकी सेवा करते हैं। और 12 दिन के बाद में इसको जाके जल सरवा कर देते हैं, पानी में जैसे विसर्जन कर देते हैं। यहाँ पे ज़्यादा करके ये फौजी लोग मनाते थे, फौजियों से हमारे तो शुरुआत फौजी लोगों से हुआ भी है। फौजी लोग इसने हमारे से मूर्ति लेनी शुरू की, तब से हमारे गणपति बढ़ती 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 25 साल हो गए, अब तो बहुत ही ज़्यादा मानते हैं।